सबसे पहले हम जो है ये निकला इसमें माइक जी गुड। उसके साथ में हमारे निकला है एक और हमारा थैली जो है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। और कुछ और भी नज़र आ रहा है इसमें, फील हो रहा है ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये सर्टिफिकेट वगैरह सा लिखा हुआ है, ये मॉइस्चर वगैरह से बचाने के लिए जो है गोलियां हैं कुछ, और ये कुछ नहीं। तो आइए इसमें सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, अंदर से भी देखिए अंदर एक कपड़ा लगा हुआ है पूरा, अच्छी क्वालिटी का है। बस ये है कि ये सिंपल एक हमारे यहाँ गाठी दे रखी है, इसकी जगह थोड़ा बीट्स वगैरह होती तो थोड़ा अच्छा होता इसमें जो है इसको खींचने वगैरह में। ठीक, बढ़िया। आइए अब मेन प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं अपने। सबसे पहले हम इसे ही खोल लेते हैं। आइए ये जो हमारा एयर्स और सराउंडिंग से बचाने के लिए साउंड जो है, तो एयर शेल बोल सकते हैं इसमें हम इसको। बाकी ये हमारे कॉलर क्लिप आई है, इसको खोल के देखते हैं। पहले इसको रखते हैं, आइए इसको कॉलर क्लिप को खोल के देखते हैं। मेटल की लग रही है, हाँ बिल्कुल मेटल की है, देखिए मेटल की क्लिप है, काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग सी लग रही है। ऐसी नहीं कि उसकी है, मेटल क्लिप होने के कारण थोड़ी मजबूती की हम इसे उम्मीद कर सकते हैं। देखिए यहाँ माइक जो है इस पर हैंग होगा इस क्लिप पर, और ये जो है इसके टीथ है इसके, ये इसको पकड़ लेंगे कॉलर को जो है, कॉलर है जहाँ भी हम इसको फंसाएंगे उसको ये पकड़ लेंगे। ठीक है, अच्छे हैं, अच्छी मजबूत काफ़ी लग रही है देखने से। बाकी ग्रिप कितनी है तो अब देखते हैं, पता करेंगे कितनी ग्रिप है। आसानी, वैसे तो आसानी से ही छूट रही है यहाँ पर। चलिए इसको रख देते हैं और देखते हैं क्या मिला। ये एक बैटरी है इसके साथ में आई है, इसमें यूज हो गई है, बंद है अभी। इसमें ये जो माइक है सेल इसमें लगाना होता है हमें, देखते हैं इसको बाद में अभी देख। और एक हमारे पास में ये पिन आई है इसकी, काफ़ी मोटी पिन है, ये कैमरा वगैरह में जो है उसमें यूज करने के लिए होती है जो पिन है। आइए वन रिंग पिन है, ये मोटी वाली है। अब हम हमारा जो मेन हमारा माइक है इस पर आते हैं। वजन अच्छा खासा वजन है लीड, क्योंकि लीड काफ़ी लंबी है इसकी, इसमें लिखा हुआ है कि 20 फीट की लीड है इसकी, ज़रूर होनी चाहिए 20 फीट है ये। तार की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो तार की क्वालिटी भी ठीक ठाक सी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये जो इसका बैंड है तार को लपेटने के लिए, बोया की ब्रांडिंग है, ये भी जो है अच्छी है, ये जो बैंड है अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ये भी लीड भी ठीक ठाक है। इसके साथ जो 3.5 mm की जो हमारे TRRS हमारी पिन है इसके साथ जो आई है, तो ये हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह में और हमारे जो है लैपटॉप वगैरह में आसानी से ये सिंगल पिन जहाँ भी होती है हमारे जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होती है सिंगल पिन, वहाँ पे जो अगर हमें माइक लगाना है तो हमें TRRS हमारी पिन ही चाहिए होती है। बाकी TRS पिन जो होती है हमारी तीन, तो उसमें तीन दो रिंग लगे होते हैं उसमें, वो हमारे PC वगैरह में यूज होती है। तो उम्मीद थी कि इसके साथ आएगी, लेकिन इसमें जो हमारा स्विच है ये इसको स्विच कर देता है अपने आप ही TRRS और TRS के बीच में। ये देखिए कि स्विच इसमें लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हमारा कैमरा ऑफ और स्मार्टफोन ऑफ का, शायद ये बैटरी जब लगा बैटरी ऑफ हो जाएगी, इस तरह स्मार्टफोन में लगाएंगे तो हमें बैटरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कैमरा में लगाएंगे तभी हमारी शायद बैटरी हमें लगानी पड़ेगी इसमें। तो ये बोया की ब्रांडिंग है, अच्छी मजबूत है। यहाँ पर भी देखिए क्लिप इसमें दी हुई है, इसमें भी ये क्लिप इसमें दे रखी है, इसको भी हम जो है कहीं अपने बेल्ट वगैरह के या पैंट वैंट के साथ में जब यूज़ कर रहे हो तो लगा सकते हैं। काफ़ी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी देखकर जो है, टोटली देखो वायर वगैरह या कुछ भी देखें इसमें से, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की है।
दोनों तरफ वायर्स जो है सेम ही क्वालिटी की हैं, इस तरफ भी। ये इसका जो हमारा एयर शील्ड है ये देखिए, इस पर आ जाएगी इस तरह से, और जहाँ कहीं अगर डिस्टर्बेंस से हवा वगैरह चल रही है तो वहाँ से बचाएगी इसको। ये देखिए, हो सकता है कैमरे पे बड़ा नज़र आ रहा हो ये, लेकिन बहुत ही क्यूट से इसको हटा के देखेंगे तो देखो बिल्कुल अब मेरे फिंगर के ऊपर रखा है, आप इसको अंदाज़ा ले सकते हैं। देखो कितना सा होगा ये, बिल्कुल जो हमने क्लिप निकाली है वो इसमें देखो, ये सॉकेट बना हुआ है इसमें, ये एक सॉकेट बना हुआ है, ये जो क्लिप जो है इसमें लग जाएगी, जैसे भी लगानी लगेगी हमारे ऊपर नीचे, बस इसको हमने पुश किया और इसमें फिट हो गई, बहुत बढ़िया। अब हम इसको आराम से लगा सकते हैं, देखिए अब ये माइक यहाँ लग गया, आराम से ये क्लिप इसमें सेट हो गई है, गुड। अब सेल निकाल के इसको लगा के देख लेते हैं एक बार। LR44 ये हमारा जो सेल है, LR44 है हमारा। तो आइए ऐसे, लेकिन ये इसी प्रकार से हमारा लग, इसमें आसानी से इसी तरह से लग पाया है। अक्सर होता है क्या है, स्प्रिंग वाली साइड नेगेटिव होती है मैक्सिमम सॉकेट्स में, सेल वालों में, लेकिन यहां जो स्प्रिंग वाली साइड है इसको जो है पॉजिटिव है, इसमें यहां बाहर लिखा हुआ है पॉजिटिव इस तरफ को, तो ये हमने सही लगाया है सेल, बिल्कुल ये पॉजिटिव हिस्सा इसका इसी तरफ रहेगा। रेड और ग्रीन का अंदर ही एक कलर है, इस बटन के अंदर ही हमें दिखाई देता है कि बस कलर दिया हुआ है, ये ग्रीन और ऊपर रेड हमारा, तो मतलब ग्रीन हो जाएगा मतलब बैटरी ऑपरेटेड है, इस समय कैमरे की तरफ है बैटरी ऑपरेटेड है, और जब इसको मतलब ये ऑफ ऑफ पोजिशन में मतलब अब बैटरी इसमें काम नहीं कर रही है, डायरेक्ट काम कर रहा है। अब हम इसको हमारे पीसी में जो है कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो जो है मैक्सिमम ये पीसी के लिए ही चाहिए था। तो आइए जो पिन है देखते हैं, पिन जो है हमने इसको चेंज नहीं किया, ये TRRS पिन ही है। पहले देखते हैं क्या यहाँ से आवाज ले रहा है इसको, पहले इसमें हमने ये एक रिकॉर्डर खोला हुआ है, तो यहाँ से हम इसको रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, माइक पे कुछ बोल के देखते हैं। हेलो 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 हेलो, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ ये कैच नहीं कर पा रहा आवाज। हेलो 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 हेलो, आइए इसको जो है कैमरा मोड पे कर लेते हैं। अब यहाँ से जो हम इसको कैमरा मोड पे कर लेते हैं, अब देखते हैं। हेलो हेलो, देखिए अब जो है साउंड ये इसमें आने लगा है। हेलो 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 हेलो, तो मतलब पीसी में रिकॉर्ड करने के लिए हमें और किसी भी पिन की जरूरत नहीं है, TRS पिन की जरूरत नहीं है, इसी TRRS पिन से ही रिकॉर्ड हो जाएगा, बस स्विच हमें जो है कैमरे की तरफ करना है पीसी में रिकॉर्ड करने के लिए। तो आइए अब देखते हैं, ये सारा कुछ मैंने अब इस माइक में ही बोला है, पीसी में ही बोला है, इस माइक से ही बोला है, और कोई माइक नहीं लगा हुआ हमारे पास में इस समय, तो देखते हैं कैसी आवाज आती है इसकी। इसको जो है अब क्या बोलूँ, अब और कैसे चेक करें कितने आदमी थे, हैं। चलिए इसको रिकॉर्डिंग को रोक के फिर देखते हैं कैसी आवाज इसमें से आई है हमारी। इसको मैं प्ले करता हूँ, ओहो यहाँ तक कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, शायद हम ये उस समय ये स्विच को जो है ऑन ऑफ करने में लगे हुए थे, इसलिए उस समय तक कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक, ये शायद इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसमें जो वीडियो में उस समय तक, तो ये यहाँ जब कैमरा ऑन कर दिया। हेलो, हाँ ये उसके बाद से आवाज आने लगी है इसमें, जो है साउंड ये इसमें आने लगा है। हेलो 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 हेलो, तो मतलब पीसी में रिकॉर्ड करने के लिए हमें और किसी भी पिन की जरूरत नहीं है, TRS पिन की जरूरत नहीं है, इसी TRRS पिन से ही रिकॉर्ड हो जाएगा, बस स्विच हमें जो है कैमरे की तरफ करना है पीसी में रिकॉर्ड करने के लिए। तो आइए अब देखते हैं, ये सारा कुछ मैंने अब इस माइक में ही बोला है, पीसी में ही बोला है, इस माइक से ही बोला है, और कोई माइक नहीं लगा हुआ हमारे पास में इस समय, तो देखते हैं कैसी आवाज आती है इसकी। इसको जो है अब क्या बोलूँ, अब
और कैसे चेक करें कितने आदमी थे है? चलिए इसको रिकॉर्डिंग को रोक के फिर देखते हैं कैसी आवाज इसमें से आई है हमारी। ये अभी मैंने पूरी जो साउंड है इसमें जो माइक से मैंने रिकॉर्ड की है अपने पीसी के जरिए इसको कैमरा मोड पे रखकर, और अभी मैंने सुनी है इस आवाज को, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। पहले मेरे पास एक माइक था जो है मैं इससे रिकॉर्ड करता था, लेकिन इसमें साउंड नॉइज कैंसिलेशन नहीं था, इसमें बहुत साउंड आता था तो है, लेकिन इससे जो है मैं सुन पा रहा हूँ बहुत ही क्वालिटी बहुत बढ़िया है साउंड की, बिल्कुल नॉइज नहीं है, बिल्कुल स्मूथ आवाज आ रही है, बहुत बहुत अच्छी आवाज और बहुत बेस वाली आवाज है, अच्छी आवाज इसमें मैंने सुनी है अभी तो, उस पहले वाले माइक के मुकाबले तो बहुत अच्छी आवाज इसके अंदर है इस समय।